भाई 10th पास करने के बाद बच्चे खुद को क्या समझते हैं पता नहीं, इनमें अलग ही लेवल का एटीट्यूड आ जाता है। होमवर्क बनाया है कि नहीं? नहीं बनाया है सर। क्यों नहीं बनाया है? भूल गया सर, ये जो एटीट्यूड है ना थोड़ा कम करो। एटीट्यूड कहाँ दिखा रहा हूँ सर, एटीट्यूड कहाँ दिखा रहा हूँ बताइए, कहाँ एटीट्यूड दिख रहा है मेरा? ये अपनी जिंदगी में रोमांच को ज्यादा ही भर लेते हैं, इनकी जिंदगी बहुत रोमांचक होती है। और भाई लोग सुना ना सर ने आज क्या कहा, अभी भी टाइम है थोड़ा पढ़ लो एग्जाम के लिए, इसका मतलब अभी बहुत टाइम है समझे ना। आज शाम में सभी भाई लोग GTA 5 खेलेंगे समझे, जिसके जिसके घर में नहीं है मेरे घर आ जाना, हम लोग खेलेंगे साथ में सब कोई मिलके एकदम, ठीक है? बाद में पढ़ेंगे लिखेंगे। ये बच्चे साल भर तो पढ़ते नहीं है और एग्जाम शुरू होने से एक वीक पहले ये बुक खरीदने जाते हैं। फिजिक्स खरीदूं या क्वेश्चन बैंक खरीदूं, क्या खरीदूं? एक काम करता हूँ, दोनों खरीद लेता हूँ, वरना पापा बोलेंगे तुम्हें तो बुक ही नहीं खरीदी तो तू पढ़ता क्या। इनसे खतरनाक तो इनके टीचर होते हैं। आचो एक महीने में तुम्हारा क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ट्यूशन ले लो मुझसे। हाँ तो एक नंबर मैंने बता दिया है, दो नंबर खुद से कर लो, तीन नंबर वैसा ही है, चार नंबर रिसीवर टाइप आता है उससे पूछ लो, पांच नंबर खुद से करो, छह नंबर भी वैसा ही है, सात नंबर भी वैसा ही है, आठ नंबर खुद से कर लेना। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, दूसरा एक्सरसाइज तुम लोग घर से करके आना, तीसरा एक्सरसाइज कल हम लोग करेंगे, ठीक है? सर जी हमारे माथे पे सी से कुछ लिखा हुआ है क्या? हम पैसे किस लिए देंगे आपको, जब सब खुद हम ही कर लेंगे, दोस्त से पूछ लेंगे तो हम पैसे किस लिए देंगे आपको? क्रैश कोर्स करवा रहे हो या हमसे बनवा रहे हो, कर क्या रहे हो सर जी?